उत्तराखंड के चमोली में 17वां 7 दिवसीय हिमवत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्राम उद्योग मेला का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट 17वें 7 दिवसीय हिमवत कवि चंद्र कुंवर मेले में शामिल हुए और इसका उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मेला सार्थकता के साथ हमें आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और साथ ही हमारी सांस्कृतिक परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल में यह मेला राजकीय घोषित हुआ है। इसके साथ ही मेले के माध्यम से हमने क्षेत्र के महान हिमवत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल को आगे किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बेमिसाल विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, जिससे यहां उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार तो भाजपा की है, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। इस प्रकार की बातें राज्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उचित शोभा नहीं देती है। मैं जानता हूँ 2002 में विपक्ष का विधायक था, नानद तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनप्रतिनिधि के अंदर वो प्रभाव होता है, वो उसकी योग्यता होती है, उसकी क्षमता होती है कि अपने द्वारा किस प्रकार से सरकार से योजनाओं को धरातल पर उतार सके। अब गांव के प्रधान जी हैं, उनका बजट तो विधायक कम नहीं कर सकता। बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, सबको समान रूप से पैसा मिलता है। 10 करोड़ रुपया पर ईयर सड़कों के लिए मिलता है। विधायक निधि अपनी जगह होती है, उसके अलावा सड़क है, पुल है, स्कूल का उच्चीकरण है, ये सबको मिलता है, बराबर मिलता है, वैधानिक पक्ष है। इस प्रकार की झूठी बयानबाजी कि मैं आज सत्ता में नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बच क्यों रहे हैं? आप लोगों तक, आप अपनी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इस प्रकार का तर्क देकर विकास को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इस विकास को अवरुद्ध होने भी नहीं देंगे। वहां मेला हम लोगों ने यहां आयोजित किया है और मैं यहाँ के नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी पंत जी को बधाई देता हूँ कि उनके कार्यकाल में मेले की भव्यता मिली है, आगामी दिनों में और उसकी भव्यता मिले। चंद्र कुंवर वर्तवाल मूर्धन्य कवि थे और हम सबका सौभाग्य कि हमारे क्षेत्र से उनका अध्ययन हुआ, इस क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका नाम आज भारत के कोने कोने में है, लेकिन जन्मभूमि में मेला अब राज का मेला हो गया, हर वर्ष मेला लगेगा। वर्तवाल जो एक साहित्य की पहचान है, एक लोक कला की पहचान है और इस क्षेत्र की मिट्टी पानी पीड़ा और दर्द की पहचान है, उस मेले को स्थापित करने में एक बार मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष भारतीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र प्रसाद भट्ट जी के लिए आपकी तालियां जोड़ा नीची जोरदार तालियां। ये मेला आपने विश्व स्तर पे इस साहित्य को स्थापित किया और मैं ये मेला इस समय जो है भव्य होने वाला है।